खबर श्योपुर से, जहां लोकसभा परिणामों में बीजेपी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया है। हाई प्रोफाइल मानी जा रही मुरैना श्योपुर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के शिवंगल सिंह तोमर वैसे तो लगभग 50,620 वोटों से जीते हैं, मगर इस जीत में विजयपुर विधायक का अहम किरदार माना जा रहा है। शुरुआत से मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नीटू सिकरवार और ग्वालियर सीट पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक को भारी माना जा रहा था और हर जगह कांग्रेस के चर्चे थे, मगर इसी बीच कांग्रेस आलाकमान विजयपुर विधायक रामनिवास रावत को हल्के में ले बैठी। रामनिवास रावत को अंडर एस्टिमेट करना कांग्रेस को कितना भारी पड़ जाएगा, इसका अंदाजा खुद कांग्रेस के दिल्ली वाले नेताओं ने भी नहीं लगाया होगा। आखिरकार कांग्रेस पार्टी की लगातार उपेक्षा के शिकार के चलते विधायक रामनिवास रावत ने पार्टी छोड़ दी। वहीं बीजेपी सरकार को अच्छी तरीके से मालूम था कि विजयपुर विधायक रामनिवास रावत का क्या कद है और वह ग्वालियर चंबल की सीटों पर कितना प्रभाव रखते हैं, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं विजयपुर में कांग्रेस के 6 बार के विधायक को भाजपा में शामिल करने पहुंचे, जिसका परिणाम यह हुआ कि राम निवास रावत ने न सिर्फ मुरैना बल्कि ग्वालियर भिंड और राजगढ़ की सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार करके संघर्षशील मानी जा रही सीटों की भाजपा के दामन में जिता कर डाल दिया। विधायक राम निवास रावत ने हमारे संवाददाता से फोन पर चर्चा कर बताया है कि उन्होंने मुरैना श्योपुर के अलावा ग्वालियर भिंड और राजगढ़ में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।